हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल मैथ बेसिक एजुकेशन हब पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुपद के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। इसका मतलब है कि बीजगणित के गुणनखंड कैसे किए जाएं। वैसे तो आप लोग गुणनखंड करना जानते हैं, लेकिन बीजगणित के गुणनखंड करना थोड़ा टिपिकल भी है। इसीलिए चूँकि जो पिछली भर्ती परीक्षा 27 मई को हुई थी, पहली भर्ती परीक्षा जो टीचर्स की हुई, उसमें प्रत्यक्ष रूप से एक, अप्रत्यक्ष रूप से 3 क्वेश्चन आए। कुल मिला के 20 नंबर का जो सेगमेंट है मैथमेटिक्स का, वो बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप स्ट्रांग करना है तो आपको सभी के गुणनखंड करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। तो उसी के क्रम में आज मैं लेके आया हूँ बहुपद के गुणनखंड। तो देखिए कैसे करते हैं बहुपद के गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप लिखते थे 4, इसके गुणनखंड करना रहता था तो 2 × 2 करते थे। 6 लिखना है तो 1 × 2 × 3 लिखते थे, ये इसके गुणनखंड होते थे। अब बात करूँगा बीजगणित में बीजीय व्यंजक के गुणनखंड कैसे किए जाए। इसका मतलब दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों का गुणनफल किया जाए और उससे एक कोई बीजीय व्यंजक प्राप्त होता हो तो वह उसके गुणनखंड कहलाएंगे। सपोज करिए एक आपके पास है x × y और ये मिलकर के बन गया x²y, या आपके पास 6x²y लिखा है। तो हम लोग इसे गुणनखंड कैसे करते हैं। पहले तो गुणनखंड की एक नियम है, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट जो टर्म होता है, जो गिनती होती है, उसके हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 6 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, एक्स को 2 बार, चूंकि इसकी पावर 2 है तो हमने 2 बार लिख लिया, × y। इसका मतलब ये इसके गुणनखंड है। अब हम बात करेंगे कि ये तो बहुत सिंपल से गुणनखंड है जिनको आप लिख ले रहे हैं, लेकिन जब ये समूह में होंगे, जब ये के व्यंजक में होंगे, एक पद में नहीं होंगे, 2 या 3 पदों में होंगे, तब हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहला जो गुणनखंड का नियम है वो है समूहीकरण, या उसे बोलते हैं सबसे पहले कोई भी अगर व्यंजक दिया है तो सबसे पहले ज्ञात किया जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला आज का जो मेरा प्रकार है उसमें मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ आप बताने के लिए कि देखिए उसके आप गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक उदाहरण है कि जैसे आपके पास आया ax² − 6x के गुणनखंड कीजिए। तो इसके आप गुणनखंड कैसे करेंगे बीजगणित में। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप इसको सिंपल एक एक पद का लिख लीजिए। मैं एक दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल विधिवत समझाऊंगा। x × x − 2 × 3 × x। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर पद कितने हैं, 2, और उन दोनों में कौन सी पद कॉमन है। तो देखिए यहाँ a है, यहाँ a नहीं इसलिए हम कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पर कोई गिनती नहीं इसलिए यहाँ गिनती का भी कोई कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2x 2 बार आया, यहाँ पर a भी बार है, तो 1x यहाँ से कॉमन मिल सकता है। और मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, देखिए x अगर मैं कॉमन करता हूँ तो क्या बचता है, a बचता है, और ये वाला x चला गया तो a बचता है, x बचता है, −2 × 6 बचता है और x चला गया। इसका मतलब देखिए ये दोनों में कॉमन था उसको मैंने निकाल लिया। इसका मतलब ax² − 6x के 2 फैक्टर हुए x × ax − 6। कुल मिला के आपको इसी तरीके से क्वेश्चनों को करना है। सपोज करिए आपने, मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको लेता हूं इसी श्रेणी में कि आप इसको कैसे कर सकते हो। 3ax² − 3bx।
तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था, अब मैं ये इंटू में लिखने वाला नहीं हूं, अब आप थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां पर तीन है, यहां भी तीन है, पद दो ही है, इसका मतलब इनसे दोनों से तीन कॉमन है। उसके बाद यहां ए है, यहां ए नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं है। यहां पर एक्स स्क्वायर यानी एक्स को दो बार गुणा किया गया, यहां पर एक्स एक बार है, तो कम से कम इन दोनों में एक तो कॉमन मिलेगा, यानी इसकी एक एक्स इसका एक एक्स कॉमन कर लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा थ्री एक्स। थ्री एक्स हमने कॉमन कर लिया, देखिए थ्री एक्स कॉमन चला गया तो यहां बचा होगा ए, चूंकि एक्स दो बार थे एक बार कॉमन चला गया तो एक बचा, माइनस तीन जा चुका है तीन नहीं लिखेंगे, बी बचा और कुछ भी नहीं बचा। इस प्रकार से आप गुणनखंड कर सकते हैं। आगे देखिए मैं एक और सवाल लेता हूं, तीसरा 81 a क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 9abc। अब इसमें देखिए कॉमन लेना है, तो कॉमन के लिए मैंने बताया था सबसे पहले देखिए गिनती, गिनती यहां कितनी 81, यहां 9, देखिए क्या 9 के पहाड़े में कहीं पर 81 आता है 9 9 81, तो इनको कैसे करते हैं, बड़ा है कोई बात नहीं, आप यहाँ 9 कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे यानी 9 से भाग कर देंगे, 9 9 81, चलिए ठीक है। यहाँ ए की पावर है 3, यहाँ एक तो कम से कम एक तो मिलेगी, यहाँ बी एक है, यहाँ बी दो है तो एक बी भी मिल जाएगी, यहाँ पर सी की पावर 2 है, यहाँ सी की पावर 1 है तो एक सी भी कॉमन मिल जाएगा। कॉमन लेने के बाद हम करते क्या है, ये इसके पहाड़े में आपका तो 9 से मैं डिवाइड करूँगा, 9 9 81, तो 9 बचा यहाँ, क्यों 9 से जब हम गुणा करेंगे तो 9 9 81 फिर से आ जाएगा, एक एक चला गया है एक बचा, दूसरा सॉरी स्क्वायर बचेगा, क्यों तीन थे एक चला गया, बी एक चला गया तो अकेला बी बचा, सी तो दो थे एक चला गया तो अकेला आपका ए सी बचा माइनस, यहाँ से 9 भी चला आया, ए भी चला आया, बी भी चला आया, सी भी, तो 9 ABC को 9 AB से भाग करेंगे तो एक बचेगा। जब पूरा पूरा कॉमन ले लेते हैं तो वहां पर एक बचता है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपके समझ में ना आए। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ है, y^3 a + b + 4 y^2 a + b। अब देखिए ये थोड़ा सवाल तुम्हें अलग लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आप यहां देखिए पद तो आपके दो ही हैं, क्यों एक पद ये है इंटू में एक पद ये है, और दोनों ही पद हमारे एक प्लस से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखता हूं कि क्या दोनों में कोई चीज कॉमन मिल रही है अथवा नहीं। तो सबसे पहले ब्राइकर a + b दोनों तरफ ये दोनों कॉमन है, लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा जो उसका साथ में लगा हुआ क्या वो तो कॉमन नहीं है, यहाँ पर y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो कम से कम y की पावर 2 दोनों में कॉमन है, उसी के साथ साथ a + b भी कॉमन है। कैसे देखें, यहाँ पर y की पावर 3 थी, यहाँ 2 थी, हमने 2 ले लिया एक बच गया y, और a + b पूरा चला गया बाहर आ गया, यहाँ 4 कॉमन नहीं है तो 4 लिख देंगे, y पूरा चला गया है नहीं लिखेंगे, देखिए y^2 और a + b वो भी चलाया तो इसका मतलब हमारा जो दूसरा फैक्टर बना वो बना 3, इसमें हो गए y^2 a + b इंटू y + 4। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो आपको पुनः ये वाला टर्म देखिए फिर मिल जाएगा, यानी कॉमन करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है, इसको बोलते हैं कॉमन लेना। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, शायद आपको वो क्वेश्चन समझ में ना आता इसलिए मैंने सब टाइप के क्वेश्चन लिख रखे हैं। a³ - √a। अब देखिए ये इससे कॉमन कैसे मिलेगा, आप थोड़ा सा करनी में जाना पड़ेगा,
इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ a इंटू ए रूट ऑफ a, इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ या रूट भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें इसे मैं a रूट a, क्यों रूट a रूट को मैं a स्क्वायर लिखेंगे और a स्क्वायर का होता है a इंटू a, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी अब आप देखिए ये a अंडर रूट a मिलकर a बनेगा। अब देखिए रूट a कॉमन है तो अंडर रूट a कॉमन करेंगे, बचेगा क्या a स्क्वायर रूट a माइनस 1। लेकिन ये लिखना शोभा नहीं देता, ये आप इतने लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा वाले इसे नहीं मानते, इसलिए आप इसे लिखेंगे a स्क्वायर इंटू a टू दी पावर 1/2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट a a टू दी पावर 2 में आधा जोड़ेंगे 2.5 अर्थात 5/2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती है। इस प्रकार से आपने देखा सबसे पहला गुणनखंड कॉमन कैसे लिया जाता है। इसी में मैं एक दूसरा टाइप आपको और बताना चाहता हूँ जिसमें सीधे सीधे कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब अगला एक मैं टाइप लेकर के आया हूँ जिसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि समूहीकरण के द्वारा हम लोग कैसे कर सकते हैं गुणनखंड, यानी बीजगणित में अभी तक देखा मैंने कॉमन लेना कैसे करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे करते हैं। दूसरा टाइप है समूह बना करके भी आपको कॉमन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समूह बनाकर गुणनखंड, यानी पहला जो मैंने बताया वो आपको बताया उभयनिष्ठ विधि, उभयनिष्ठ गुणनखंड। और दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं समूहीकरण, समूहीकरण क्या है कि कभी कभी आपको लिखा होगा लेकिन आपको कॉमन नजर नहीं आएगा, इसलिए उसको तुम्हें इधर उधर ले जाके कुछ लिखना पड़ेगा, थोड़ा अलग अलग बनाने पड़ेंगे समूह। जैसे देखिए क्वेश्चन संख्या एक में इसका बता रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस बी एक्स माइनस एक्स, इसका गुणनखंड अगर आपको करने के लिए कह दिया जाए तो आप इसका गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। इसके गुणनखंड करने के लिए आपको दो तीन तरीके से इसके गुणनखंड कर सकते थे। कैसे करेंगे देखिए हमारे पास एक तरीका है, हम अगर चाहें तो इन दोनों को एक साथ लेकर के करें तो ये देखिए शायद क्वेश्चन नहीं ठीक है, क्वेश्चन सही है। इसका मतलब अब देखिए मैं इसको दोनों को लेता हूँ तो कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही, यहां से मैं कॉमन करता हूँ एक्स कॉमन करता हूँ तो इस बार में नहीं आता। इसका मतलब क्या है हमें समूहीकरण करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो समूह बनाने पड़ेंगे। देखिए इसको और इसको मैं एक जगह पर लिख लेता हूं हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सॉरी प्लस बी माइनस बी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन करता हूं तो इसमें देखिए मैं एक्स अगर कॉमन करता हूं तो क्या बचता है एक्स माइनस 1, यहां से प्लस देखिए इसमें अब इतना सवाल अलग हो गया, इतना अलग हो गया, मैंने समूह बना दिया बी का हो गया 1 माइनस एक्स। अब ये देखिए यहां एक्स माइनस 1 आ रहा, यहां 1 माइनस एक्स आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे क्वेश्चन जब कभी आपके सामने आए तो यहां माइनस चिन्ह कॉमन कर लेते हैं और अंदर के चिन्ह बदल लेते हैं, तो माइनस बी कर देंगे, माइनस से जब गुणा करोगे तो माइनस बी और ये प्लस हो जाएगा एक्स, यानी एक्स माइनस 1 बन जाएगा। अब आप देखेंगे ये एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, इसलिए पुनः हमारा जो है उभयनिष्ठ मिल रहा है एक्स माइनस 1। क्या करेंगे एक्स माइनस 1 ये वाला दोनों से कॉमन करेंगे, बचा क्या एक्स माइनस बी। इस प्रकार से इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो आइए मैं एक दूसरा भी क्वेश्चन लिखता हूं आपको स्पष्ट करने के लिए ए एक्स प्लस ए सी प्लस डी बी प्लस डी सी। अब आप देखें यहां पर ए एक्स हालांकि ए इसमें मिल रहा है, इस
इसमें ए मिल रहा है और लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब कुछ गलत क्वेश्चन नोट हो गया होगा, क्योंकि इसमें ए बी प्लस ए सी है, ए बी है, ए बी प्लस ए सी, डी बी प्लस डी सी है। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए इसको समूहीकरण करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर मैं इसे ए बी प्लस ए सी अलग कर दूं, प्लस डी बी प्लस डी सी अलग कर दूं, तो ये क्या देखिए बनता है, दो पद बने, दोनों में ए कॉमन है, अगर ए कॉमन कर दें तो बी प्लस सी बन रहा है, प्लस यहां पर देखिए डी कॉमन कर लूं तो ये बी प्लस सी बन रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अब देखिए दो पद ये हो गए, अब इसमें कौन चीज कॉमन है, बी प्लस सी, बी प्लस सी दोनों में कॉमन है, बी प्लस सी कॉमन कर लेंगे ए प्लस डी। इस प्रकार से आप समूहीकरण करके भी गुणनखंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में और आपको बताता हूं कि समूहीकरण कैसे कर सकते हैं। तो समूहीकरण के लिए हमारा अगला क्वेश्चन है x a माइनस थ्री माइनस वाई थ्री माइनस एक्स। अब आप देखिए यहां पर भी पद दो ही है, कॉमन लेना ही लेना है, तो आप इसको देखें, ये लिखा हुआ a माइनस थ्री, यहां पर लिखा है थ्री माइनस एक्स, यानी चिन्ह का जहां पर भी गड़बड़ आए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, आप एक और माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई, और अंदर के चिन्ह बदल गए, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इसका मतलब फिर दोनों में आप कॉमन कर लीजिए, ये आ जाएगा ए माइनस थ्री एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से आप समूहीकरण के द्वारा यानी समूह बना करके गुणनखंड कैसे किए जाए। अब मैं इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग से गुणनखंड कैसे करेंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा, जिससे वीडियो बड़ा ना हो जाए।